साइबर ठग लोगों को ठगने के नए नए पैंतरे आजमा रहा है। इस बार बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र छात्राओं को निशाना बनाया जा रहा है। ठगों के द्वारा छात्रों को फोन कर पास करने के नाम पर रुपए ऐंठने के मामले सामने आए हैं। ताजा मामला सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के पेटगांव का है, जहां हाई स्कूल में पढ़ने वाली 3 छात्राओं को साइबर ठग फेल होने का डर दिखाकर रुपए की मांग कर रहे हैं। ये साइबर ठग खुद को माध्यमिक शिक्षा मंडल से होने की बात कह रहा है और रुपए की डिमांड कर रहा है। इधर 3 छात्राओं के पास लगातार 2 दिनों से कॉल कर रुपए मांग की जा रही है, जिससे छात्र और अभिभावक परेशान है। वही मामले में पुलिस ने लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी है। परीक्षा के विषय में पास नहीं हुए हैं, इसी के विषय में वो कह रहा था कि पास नहीं हुए हैं तो पास करवाना है कि नहीं, ऐसे करके कह रहा था। तो मैं बोला कि पास करवाना है तो पास करवाने के लिए फेल हो गई है तो पैसा लगेगा, ऐसा कहा। बोल रहे थे कि ओ आप 2 विषय में फेल हो गए हो, गणित में और इंग्लिश में, तो बोल रहे थे कि उसमें पैसा चाहिए। कितना पैसा मांग कर रहे थे? 5,000 मांग रहे थे। हाँ। फिर हम लोग बोले कि 3,000 देंगे, बहुत गरीब परिवार से हैं हम लोग। मम्मी पापा से पूछे तो बोले कि नहीं सकेंगे देने के लिए। कल कॉल आया था, बोल रहे थे कि संस्कृत और गणित में फेल हो, और बोल रहे थे कि 5,000 दो तो पास कर दूंगा। हमने बोला कि मेरे पापा के मोबाइल में आया, तो पापा बोले हाँ पूछ के बता रहा हूँ। फिर रायपुर से शिक्षा मंडल सरगुजा जिला के मैनपाट ब्लॉक से एक शिकायत आप लोगों के द्वारा प्राप्त हुई है कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अभी बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, उनको अननोन नंबर से कॉल आया है, जिसमें कि उनके द्वारा पास होने पर कुछ अमाउंट फ़ोन पे या फिर UPI के माध्यम से देने का प्रलोभन उनको दिया गया है। ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है। इस संबंध में अगर आवेदन हमको प्राप्त होता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इस तरह के मामलों में परीक्षा के विषय में